स्वच्छ भारत अभियान में केंद्र सरकार ने जहां राज्य सरकार की पीठ थपथपाई है, वहीं हल्द्वानी नगर निगम ने भी स्वच्छता अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए शहर में ई टॉयलेट की शुरुआत की है। आपको बता दें कि ई टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए और सिक्के को डालकर आप ई टॉयलेट का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ई टॉयलेट की शुरुआत है पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के बाद इस उत्तराखंड में पहली बार ई टॉयलेट्स लगे हैं। ई टॉयलेट थोड़ा ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं और हाइजीनिक होने के साथ साथ ये छोटे स्थान पर लग पाते हैं, तो लगभग अभी नगर ने किया मंशा है कि हर व्यक्ति को हर 50 मीटर पर टॉयलेट्स की मिले, और जब उसको टॉयलेट मिलेगी तो इधर उधर जैसे लोग यूरिन वगैरह करते हैं उससे थोड़ा हम शहर को बचा पाएंगे। और साथ केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।